हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स अकेडमी। एक बार फिर आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल जी आर मैथ्स अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम अपने चैप्टर के क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन पे बहुत बेहतर तरीके से काम कर चुके हैं, अब बारी आई उसके आउटकम्स की। अब उस इंट्रोडक्शन का आउटकम्स क्या, वो हम यहाँ जानेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो आज डिस्कस करने के लिए है वो एक्सरसाइज 12.1। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में इसका एक बेहतर लेवल पे इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जल्दी से जाइए वीडियो को देखिए इंट्रोडक्शन को, तब यहाँ पे आइए, बहुत मज़ा आएगा फिर आप लोगों को। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 12, और नाम है चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हमने जाना था कि व्हाट इज अबाउट द एरिया एंड व्हाट इज अबाउट द सर्कल। तो हमने सर्कल और एरिया इन दोनों के कैटेगराइज, दोनों के हमने कहीं ना कहीं एक फॉर्म तैयार किया था, और उस फॉर्म को तैयार करते करते सर्कल के अंदर एक फॉर्म तैयार किया था, एक पैटर्न बनाया था, और उस पैटर्न को तैयार करते करते कहीं ना कहीं हमने एक बात देख ली कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना हमारा, उसका एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, और एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है उसका किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हमने इनडायरेक्टली फॉर्मूले को कहीं ना कहीं ड्राइव कर दिया। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा अगर आप जस्ट प्रीवियस इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप लोग भी बुक आप लोगों के पास होगी तो मैं बुक से क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। तो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। देखो रेडियाई क्या होता है, रेडियाई इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ रेडियस। रेडियस का क्या होता है, प्लुरल फॉर्म होता है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रेडियस होता है और ये होता है रेडियाई। ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस अगर हमें बोलना हो तो हम रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो आप इस बात को समझ पाएंगे, इसने दो सर्कल की बात करी, इसने क्या यूज किया है, रेडियाई। तो कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो सर्कल है। देखो सॉल्यूशन से बेहतर आप लोग ना समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे जितना ध्यान लगाओगे आपके सॉल्यूशंस की बाउंडिंग जो है उतनी मजबूत तैयार होगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि क्वेश्चन हमारे पास जितने अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन हमारा कहीं ना कहीं उतना ही ईजी बनता जाता है। ठीक है, तो कह रहा दो सर्कल लिया, दोनों सर्कल का रेडियस दे रखा है, एक का 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। तो इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में कि एक दो सर्कल बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, और ये आपका दूसरा सर्कल, और ये आपका रेडियस, इसको हम कह देते हैं R1, और इसका रेडियस देते हैं R2। ठीक है, तो ये मैन मेड है, आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर सर्कल में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप उसे सर्कल ही मानिए। जैसे ये फिगर अगर थोड़ा सा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना बेस्ट करते हैं फिर। और कह रहे हैं कि एक तीसरा सर्कल बना, और तीसरे सर्कल को लेकर क्या बात बोली उसने कि ये जो है ना, ये रेडियस आप इसका, ये कैपिटल R हम ले लेते हैं, तो ये कैपिटल R निकालने के लिए बोला। और कैपिटल R निकालने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, कह रहा है कि इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम। ये देखिए, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस, अगर मैं इसका C1 मानता हूँ, इसका C2 मानता हूँ, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, और ये हम कैपिटल C दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह देंगे कि C1 प्लस C2 इक्वल टू कैपिटल C। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया ये बात कि द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल। ठीक है, तो इतनी सी बात तो हमें गिवन है। अच्छा, C1 C2 को मैं लिख भी देता हूँ क्या है C1 C2, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। C1 आपका सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना, फर्स्ट सर्कल, और ये दूसरा, ये भी सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, COC है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है? अच्छा, हमें बहुत अच्छे से एक बात पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता क्या है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। व्हाट, 2 पाई आर,
तो मैं यहाँ से 2 पाई, अब क्योंकि C1 सरकमफ्रेंस की बात करो, इसकी रेडियस कितना, R1 है, ठीक है, प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। उसके लिए क्या है, कैपिटल R यही तो है, कैपिटल C यहाँ, ठीक है। और थोड़ा सा और हम इन्फॉर्मेटिक बना लें इसको, तो ये तो हमें कहा है निकालने के लिए, ये देखिए ये हमें दे रखा है, एक का 19 दे रखा है, एक का 9 दे रखा है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, इन दोनों के रेडियस हमारे पास दे रखे हैं और वो फाइंड करना है। तो आइए इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ से अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ तो R1 + R2 बच जाएगा। तो एक बात पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा कि एज यू नो कि हमारे पास जो एग्ज़ाम अब आने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQs क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो आपको कैलकुलेशन का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आप टाइम को बचा सकते हैं, और टाइम बचाइएगा तो टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑफ एनी एग्जामिनेशन, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से इस बात को कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर आपने टाइम को सेव करा, 2-2 सेकंड, 10-10 सेकंड भी अगर किसी क्वेश्चन पे आप बचा रहे हो, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो वहाँ उस पेपर में, ठीक है, आप बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, तो कैलकुलेशन जितना हो सके हम आसान करेंगे। अब जैसे कुछ स्टूडेंट होते क्या है, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट होते क्या है कि 2 पाई R है तो 2 यहाँ है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करने लगते हैं, 22/7 यूज़ करने लगते हैं और कैलकुलेशन को बड़ा बना देते हैं। कैलकुलेशन बड़ा बनते ही टाइम कंज्यूमिंग होने लगता है वो। तो इसलिए कोशिश करो पहले सिंप्लीफाई करो, अगर आपके पास कोई कैलकुलेटिव टर्म है तो उसे सिंप्लीफाई कर दो उसी के टर्म में, उसके बाद वैल्यू एट द लास्ट, लास्ट में उसकी वैल्यू रखो, तब देखो आपका कैसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो यहाँ से देखिए 2 पाई R यहाँ भी है, 2 पाई R यहाँ भी, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, R1 + R2 इक्वल टू कैपिटल R। अब बहुत अच्छे से एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि R1 हमारे पास 9 है प्लस R2 हमारे पास 19 है, तो ये कैपिटल R। तो यहाँ से तो हमें एक बात समझ में आ गया कि सर कैपिटल R जो आएगा कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये बड़ा, ये जो दूसरा, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के जो एक सर्कल बना था उसका जो रेडियस है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे पॉज करके नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहीं ना कहीं हमें एक रेफरेंस पॉइंट देता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 सर्कल और एक अनदर तीसरा सर्कल दोनों के ऐड करने पे, बट इसमें क्या है, इसमें भी कहानी सारी वही, थोड़ा सा कहानी को चेंज करा है, वहां सर्कमफ्रेंस की बात करी थी, यहाँ एरिया की बात कर दी, किसकी, एरिया की, बाकी सारी चीजें वही है, रेडियस फाइंड करना है हमें इसका ही, बड़े वाले का, इसलिए फिगर मैंने बना रहने दिया है ताकि हमें पहले से हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो तो सॉल्यूशन आपका उतना ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 सर्कल। कह रहा कि ऐसे सर्कल का एरिया निकालिए, ओ सॉरी, ऐसे सर्कल का रेडियस निकालिए आप जिसमें 2 सर्कल के एरिया का सम उसके एरिया के बराबर है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एरिया की बात की गई है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया आप मान लो कैपिटल A, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा हमारे पास R1 दे रखा है 6, मतलब एक रेडियस 6 और दूसरा 8, एक रेडियस दे रखा है 6, दूसरा रेडियस दे रखा है 8 और तीसरा रेडियस तो बोला है निकालने के लिए, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसे विद इन सेकेंड इस एक्सरसाइज के, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे, कैसे वो हम आगे देखेंगे बहुत आराम से, ठीक है, विद इन सेकेंड आप सॉल्व करोगे, नहीं करा तो फिर आप बताना इस बात को, ठीक है, बस कैलकुलेशन पार्ट को कवर अप करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया, कहा कि इन दोनों का एरिया, तो हम कह दे, इसका मतलब ये दिया A1 + A2 इक्वल टू कैपिटल A, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इक्वल टू इसका एरिया। तो जल्दी से बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, सीधी सी बात है सर, πr² होता है, πr² होता है, बट A1 के लिए R1, ठीक है, प्लस
आर टू स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसके लिए आर, ये इसके लिए आर और ये इसके लिए आर, तो इसमें देखिए पाई कॉमन आ रहा है, तो आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर टू, तो आप क्या कीजिए पाई को कैंसिल कर दीजिए, है ना, पाई की कहानी हो जाएगी ख़त्म। तो जब भी इक्वालिटी वाला आपको क्वेश्चन दिखे ना, तो आप किसी को काटने में कैंसिल करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आर वन सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते, 36 प्लस 64 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। बट आर निकालना हमें, तो आर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10। यहाँ भी एक कहानी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर क्या है, आर हमारा है डिस्टेंस, तो हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं ले सकते, है ना, नेगेटिव वाला नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, यहां पे आप देख भी सकते हो, लिख सकते हो अपने ज्ञान के लिए, डिस्टेंस नेवर नेवर भी नेगेटिव, क्या होता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आर क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। ऑप्शन में आपको प्लस का 10 माइनस का 10 दिया होगा, तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का एक दायरा बन सकता है, तो आपको उससे सेफ करेगा ये सारी बातें, ठीक है। तो चलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब तक जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारे दिमाग की जो एक्सरसाइज होगी ना, माइंड का एक्सरसाइज कर देगा ये, है ना, क्योंकि आपको देख के ही कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कहते हैं चक्कर सा आने लगता है, ये बना हुआ ये इस टाइप से है, ये आर्चरी कहा जाता है इसको, है ना, इससे ही तो सम्मोहित करते हैं हम, है ना, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो इसका यूज़ करते हैं, और चलो ये सब तो दूसरी बात है। तो यहाँ देखिए आप लोगों के सामने एक फिगर बना हुआ है ना, अच्छा इस फिगर की कहानी कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से हमें पहले फिगर को अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है, बस उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन पे काम करना है, पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन ही है। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड अनदर क्वेश्चन एज वेल एज एग्जामिनेशन, ओके, तो सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या कहा गया है, कि हमारे पास रीजन्स दे रखे हैं ना, रीजन दे रखे कितने, 5, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, 5 रीजन दे रखे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, इन पांचों रीजन का एरिया निकालने के लिए कहा, इन पांचों रीजन का क्या कहा, एरिया, कहने का मतलब है कि सर पहले इसका एरिया आप निकालो गोल्ड का पूरा, फिर उसके बाद इसका एरिया निकालो, फिर उसके बाद इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया और फिर इसका एरिया, देन क्वेश्चन विल बी फिनिश्ड, ओके, तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। अच्छा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वो बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है कि ये गोल्ड रीजन जो है ना इसका डायमीटर है, गोल्ड रीजन जो है ना इसका डायमीटर कितना है 21, डायमीटर कितना है 21, तो आइए पहले इसी को देख लेते हैं। पहला है ना फॉर गोल्ड रीजन, अच्छा जी आर लिख देते हैं ना, जी आर मैथ्स अकेडमी है ना, बहुत अच्छा स्टार्टिंग ऐसा है, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है, देखो यार, तो जी आर है ना गोल्ड रीजन है ना, ये जी आर गोल्ड रीजन, क्लियर है, अच्छा तो ये आपके चैनल का नाम भी है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जी आर, तो गोल्ड रीजन के लिए अगर हम बात करें, गोल्ड रीजन की बात करें, तो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास रेडियस कितना होने वाला है, रेडियस 21/2 और करके आप लिख सकते हो 10.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम चीज है, ठीक है, चलो तो अगर बोल दिया जाए कि गोल्ड रीजन का एरिया निकालो, अरे तो साफ साफ सीधी बात है सर, गोल्ड रीजन तो सर्कल ही है, गोल्ड रीजन क्या है, सर्कल है, तो इसका तो बहुत आराम से आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास आई, पाई की वैल्यू रख देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आए निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ
जी आर है ना, क्या होगा पाई आर वन का स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोल दीजिए कि ये हमारे पास आर वन होगा इसका रेडियस। ठीक है, अच्छा बाकी बात तो हम आगे करेंगे। ठीक है, एक एक करके करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखिए, 22/7 R1 है ना, ये हो जाएगा R1 हो जाएगा हमारे पास 21/2 × 21/2। R1 का स्क्वायर है ना 21/2। अच्छा अब बात ये भी समझ में आनी ही चाहिए कि सर कहाँ पे 21/2 और कहाँ पे 10.5 रखेंगे। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुन लीजिए एक बात, कि अगर डेनोमिनेटर में 21 का कोई मल्टीपल है, सॉरी 21 का अगर कोई आपको फैक्टर दिखे, 21 का फैक्टर दिखे तो तुरंत 21 लगाइए। मुझे 7 दिखा, 22/7 पाई की वैल्यू, 7 क्या है फैक्टर है, 21 का फैक्टर है। ठीक है, 7 × 3 = 21 होता है, तो मैं 21/2 यूज़ करूँगा। अगर मुझे नीचे में नहीं दिखेगा कुछ तो नहीं करूँगा, मैं सीधा 10.5 यूज़ कर लूँगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये बात है, छोटा सा एक बाउंड है, बाउंड्री है जिसे हम अपने आप को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको काट देते हैं, 7 × 3 = 21, इसको भी कैंसिल कर देते हैं 11। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया 33 × 21/2। तो मैंने कहा आपको क्या है कैलकुलेशन है, तो आप कीजिएगा कि 21/2, अच्छा 33 × 10.5, 21/2 10.5, देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है। अच्छा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 105, देखिए बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है बहुत अच्छे से, 5 × 3 = 15 और ये आ जाएगा आपका 3, तो ये 5 × 1 = 3, तो 5 6 4 3, तो कितना है 3 4 6 6 5, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका पहला आंसर ये है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बहुत जल्दी से समझ पाए होंगे इसको। चलिए हम इसके दूसरे रीजन पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हम दूसरे रीजन पे आते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ लिखता जाता हूँ कि हमारे पास गोल्ड रीजन का कितना था, 346.5, 346.5। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट देखिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट में हमें क्या देखना है कि अब हमें इसका रीजन निकालना है, किसका ये, इसका इस रीजन का एरिया निकालना है, क्योंकि देखो यही तो है, ये बचा देखो, रेड है ना, रेड रेड रीजन का एरिया चाहिए, बस इतना सा ही चाहिए, क्योंकि इतना तो हम निकाल चुके हैं ना, हमें सिर्फ इतना चाहिए। और अच्छा इतना कैसे निकलेगा वो देखिए आप। तो दूसरे में हम रखेंगे कि फोर रेड रीजन है ना, आर आर क्या है, रेड रीजन, आर आर का मतलब रेड रीजन। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमें ये देखना पड़ेगा, हम कैलकुलेट तो सेंटर से ही करेंगे, कहाँ से करेंगे कैलकुलेट, तो सबको सेंटर से ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑफिशियली बात है यहाँ से यहाँ 21/2 और ये 10.5 है, ये कितना है देखिए 10.5 है। तो आप ऐसा कीजिए, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा 10.5 + 10.5 = 21, तो इसका रेडियस तो 21 हो जाएगा, तो मैं इसको आर टू कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ आर टू है ना, रेडियस आर टू, रेडियस मिल गया, बस बात खत्म। आते हैं अपने राइट रीजन पे, एरिया ऑफ रेड रीजन, देखिए बहुत ध्यान से, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से, मेरे मेरे हाथों को देखिएगा ना, इस पूरे में से ये जितना भी हमारे पास ये है इसका एरिया, इस पूरे में से इस सर्कल के एरिया को, ये गोल्ड वाला जो सर्कल है ना, इस सर्कल के एरिया को अगर मैं हटा दूँ तो यही तो बचेगा, देखिए बहुत ध्यान से, यही तो होगा हमारा लेफ्ट पोर्शन, यही होगा। तो कहने का मतलब इस पूरे सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल में से रेड वाला है ना, रेड वाला, इसमें से अगर ये वाला गोल्ड वाला हटा देते हैं तो ये वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ
तो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, तो पाई आर टू स्क्वायर, बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर टू स्क्वायर में हम माइनस करेंगे ये गोल्ड वाला पाई आर वन का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 22/7 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे, 21/21। देखिए आर टू का स्क्वायर है ना, माइनस वो देखिए इसका तो हमने निकाल ही रखा 346.5। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 3 जा 21, तो ये 22 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3663 माइनस 346.5। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई 22, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 831, 1386। ठीक है, बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन ही है इसका मेन और कुछ भी नहीं है। 386 माइनस 346.5, ठीक है इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 1386 में से 346.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, ये तो मैं यहाँ पे यहाँ लिखने के लिए कर रहा हूँ। ये 5 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 15 में से जाएगा तो यहाँ से 7 में से 4 का 3, और यहाँ पे 0 1, तो 1039, तो यहाँ आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिए। ठीक है कि रेड रीजन का एरिया कितना आया है, 1039.5, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम थर्ड चलते हैं, थर्ड रीजन पे है ना, थर्ड रीजन पे काम करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि रेड रीजन का हमारे पास आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ एक बार। आइए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ना। अच्छा थर्ड पार्ट किसके लिए, फोर, अब कौन सा रीजन है, ब्लू है ना, तो ब्लू रीजन, तो बी आर में डाल सकता हूँ, बी आर मतलब बी आर इज वॉट है ना, बहुत ध्यान से कि ब्लू रीजन क्या है, ब्लू रीजन, तो ब्लू रीजन के लिए बात अगर हम करें तो इसके लिए रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा ब्लू रीजन का मतलब क्या है कि आपको ये वाला पोर्शन देखिए जिस पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ना, जिस पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ इस पे, इसी का एरिया आपको चाहिए, इसी का एरिया निकालना जिस पे मैंने ड्राइंग बनाया है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, हमें मेजर करना है सेंटर से ही, सबका सेंटर, ये सारे क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये सारे क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि एक ही सेंटर होता है, बाकी उस पर कितने भी सर्कल बन सकते हैं, तो एक ही सेंटर है हमारे पास, एक ही सेंटर है तो सबको हम एक ही सेंटर से मेजर करेंगे। तो आइए इसको मेजर करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 21 है ना, यहाँ से यहाँ तक रेड रीजन का 21 रेडियस है। अच्छा इसमें 10.5 है ना इसका, ये कितना, ये वाइड कितना, ये ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी 10.5, तो 21 में 10.5 अगर ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस बड़े वाले का, इस ब्लू वाले का रेडियस आ जाएगा है ना सेंटर से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R3, तो देखिए यहाँ से, तो R2 का रेडियस प्लस 10.5 ऐसे लिख दूंगा तो और आपको समझ में आएगा। तो R2 हमारे पास कितना था 21, और प्लस ये 10.5, तो ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर। तो R3 हमारे पास कितना है, R3 कितना आ गया, रेडियस, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन फ्रॉम सेंटर कितना आया 31.5। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रेडियस आ गया, अब अपना काम स्टार्ट। यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ बी आर है ना, बी आर ब्लू रीजन, तो देखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या होता है, तो हम क्या करेंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ भी समझिए क्या है, हमें इतना सा एरिया चाहिए, इतना सा, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से ये जितना है ना, ये इस पूरे एरिया में से अगर ये रेड वाला सर्कल जो है, ये अगर इतना सा एरिया मैं हटा दूंगा तो यही तो बचेगा, यही बचेगा ना, तो इजीली काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से पाई 22/7 इंटू
R3 का स्क्वायर, तो 31.5 मल्टीप्लाई 31.5 माइनस, देखिए पाई R2 का स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं, पाई R2 का स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज रेड रीजन एरिया। क्या है? रेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो रेड रीजन का एरिया हम इसे ले लेंगे बहुत इजीली। हाँ तो आप रेड रीजन का एरिया कितना आया है, 10, नहीं आप इसको मत लीजिए, एक मिनट। तो बी आर रीजन, ब्लू रीजन का एरिया जो हमारा होगा वो एक बहुत अच्छे, अच्छा इसको कैलकुलेशन का मोड चेंज करते हैं ना, एक तरीके से कैलकुलेशन तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे कैलकुलेशन का भी लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पाई हमारा अगर कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे आर थ्री का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है ना ये नंबर है, पोजिशन को बताता है, ऊपर वाला तो स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पाई 22/7, अच्छा आर थ्री कितना है, 31.5 का होल स्क्वायर माइनस, और आर टू हमारा 21 का होल स्क्वायर, इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार इसे आप 31.5 माइनस 21 माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई, अब तो आप इजीली कर सकते हो इसको, ऐड कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 और ये 1, 3 आ गया आपका, ओह सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 2 और ये 5.5 और मल्टीप्लाई, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। टेन पॉइंट फाइव आएगा इसका तो, है ना, इसका तो 10.5 आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। इसको देखो ये कट जाएगा, 10.5 7 से कैंसिल होगा, ठीक है, 15 टाइम्स हम कितने बार में, 15 मतलब 1.5 टाइम्स में। तो हमारे पास कैलकुलेशन बन के आया 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते 22 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, 15 30 15 30 3 33, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, और ये मल्टीप्लाई 5 2.5, तो 33 मल्टीप्लाई 5 2.5, तो करके देख लेते हैं, 5 2 5 मल्टीप्लाई 33, 5 3 15, 3 2 6 7 15, तो 5 7 5 1, 5 2, और 7 5 12 13, 3 बाकी 1 5 1 6 1 7, 1 7 3 2, तो आपका ये आ जाएगा 17325, क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट यहाँ लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको भी, इसको भी चेक कर लेते हैं, आप लोग जब तक नोट कर लीजिए इसको। वन सेवन थ्री टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो जल्दी से राइट डाउन कीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं, आते हैं हम नेक्स्ट रीजन पे। तो नेक्स्ट रीजन देखिए यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, 4 4, अब कौन सा, ब्लैक, ब्लैक रीजन है ना, BL, कौन सा, BL, ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन के लिए देखिए, ब्लैक रीजन का मतलब यही तो चाहिए हमें, ये देखिए बहुत ध्यान से, है ना, इसका इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया चाहिए ब्लैक रीजन का, तो हमें सेंटर से, ये क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो सेंटर से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R4 है ना, R4 इक्वल टू, यहाँ तक तो 31.5 था ही, है ना, 31.5 और प्लस 10.5, क्योंकि ये 10.5 है, इसकी चौड़ाई कितनी, 10.5,
तो ये आपका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो R4 मतलब कि ब्लैक रीजन का सेंटर से जो रेडियस है हमारे पास ब्लैक वाले सर्कल को, ब्लैक वाले रीजन को जो सर्कल सपोर्ट कर रहा है वो क्या 42 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे हमारी कहानी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तो ये क्या है, एरिया ऑफ यहाँ आर कर लीजिए ना, बी एल ब्लैक रीजन, तो क्या हो गया पाए R4 का स्क्वायर माइनस पाए R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाए आप कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप पाए R4 कितना 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर। तो इसको जल्दी से क्या कर दिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 42 प्लस 31.5, 42 माइनस 31.5। ठीक है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करने से आपका आ जाएगा 3 और ये 7.5 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 10.5 ही आएगा, 10.5 ये कट जाएगा आपका 15, 1.5। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन पार्ट फिर से एक बार आपके सामने, तो हम जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो कितना होगा, 30, 33 हो जाएगा ना, 33, 22 मल्टीप्लाई 1.5 33, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 735 को, 735 को, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 10, 21 और ये 22, ये आ जाएगा 5022, तो 5 5 2 4 2, तो 2 4 2 5 5, कितना आ जाएगा 2 4 2 5 5, बट एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसलिए होगा ना कि आप अगर इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1.5 22 का बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमें पता है 33 होता है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम, है ना। तो ये 2 4 2 5.5 इसका इस ब्लैक वाले रीजन का एरिया आ चुका है। तो देख लेते हैं, आंसर मैच करते हैं बहुत जल्दी कि क्या आ रहा है, 2 4 2 5.5, 2 4 2 5.5 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं एक नेक्स्ट रीजन पे, वाइट। ठीक है, और वाइट के साथ इस क्वेश्चन की समाप्ति। तो अब हम बात करेंगे फॉर वाइट रीजन, कौन से रीजन की बात करेंगे, वाइट रीजन, है ना, लास्ट रीजन, लास्ट रीजन इसका, है ना। देखिए, तो लास्ट रीजन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं, ये देखिए ये रेडियस जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो यही तो बचेगा, यही बचेगा ना, इस पूरे में से, देखिए इस पूरे में से जब हम इस रेडियस को यूज़ करेंगे एरिया के लिए, तो ये किसका एरिया होगा, पूरे रीजन का एरिया होगा। इसके एरिया में से इतना सा एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं, इतना सा ये वाला, तो यही तो बचेगा और हमें यही तो चाहिए, है ना। तो आइए इसके लिए देख लेते हैं, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा R5, R5 क्या होगा हमारे पास, R5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तो 42 है ही, यहाँ से यहाँ तक कितना 42, 42 प्लस वो कितना है, उसकी चौड़ाई है 10.5, तो ये आपका आ जाएगा कितना 52.5, कितना आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस आ चुका है, तो बहुत आराम से हम निकालेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो देखिए, एरिया ऑफ वाइट रीजन कैसे निकालेंगे, पाए R5 स्क्वायर माइनस पाए R4 स्क्वायर, तो पाए कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास R5 कितना है 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 42 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो बहुत अच्छे से रखिए, 52.5 प्लस 42, 52.5 माइनस 42, तो 22/7 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं, 4 2 2 4 और 4 5 4 9.5, 94.5 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा देख लेते करके, 52.5 42, तो 5 ये 0 ये 1, 10.5 कितना आएगा, 10.5, देखिए वही फिर कहानी आ गई ना, तो ये चले जाएगा 1.5 में, और हमें पता है कि ये तो 33 होगा मल्टीप्लाई 9 4.5। देखिए पैटर्न जब हमारा बनने लगता है ना, तो हमारे आगे के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, आगे के क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए पैटर्न पे काम करना चाहिए और ऑब्जर्व भी करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इज द ऑल्सो बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के लिए बेस्ट पार्ट। अगर एक ही तरीके का आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका एक ऑब्जर्वेशन तैयार हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है। तो यहाँ देखते हैं 9 4 5 मल्टीप्लाई 33, 5 3 15 और 4 3 12, 12 ये आ जाएगा आपका 13 और 9 3 27 और ये 28, तो 5 3 8 2, तो 5 8 11 का 1 और ये भी 11 1 और ये 3, तो कितना आ गया हमारे पास 3 1 1 8 5, ठीक है, और यहाँ पे आ गया पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या कह रहा है, हमारा आंसर तो यही कह रहा है, बाकी देखते हैं, आप लोगों ने भी चेक कर लिया होगा और एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि क्या आंसर है। 3 1 1 8.5 बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए एक बात बहुत ध्यान से आप इसको समझिए, तो पहले इसे आप नोट डाउन करेंगे, अच्छा आप लोग एक बात इसको समझिएगा कि मैं चाहता हूँ तो मैं इतना सा काम करके छोड़ सकता था, मैं कहता कि आप लोग खुद कैलकुलेशन कर लो और क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, ठीक है, इतना मैं कह देता, एकदम वैलिड पॉइंट होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने पूरा कैलकुलेशन आपके सामने क्यों किया, इसकी वजह है, इसकी एक बहुत अच्छी वजह है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना ये भी होता है कि आपके पास तो चलो ठीक है, आपने तो कॉन्सेप्ट दे दिया, कैलकुलेशन तो हमें ही करना है ना, कैसे करेंगे वो, अब कैसे कितना टाइम लग रहा है, तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बताना हमारा काम भी है, ठीक है, कैलकुलेशन बताना कैसे कैलकुलेशन करना है पेपर में, ये भी हमारा काम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना काम नहीं है, ठीक है, तो कैलकुलेशन बताना भी हमारा ही काम है। तो स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर ला देते हो, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं यूज़ और आंसर लेके आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन वहाँ पे कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, वहाँ पे कैलकुलेटर की कोई भी अवेलेबल वहाँ पे कैलकुलेटर तो नहीं होता है, तो इसलिए कैसे करेंगे। तो ये चीज़ दिखाने का मतलब सिर्फ यही था, मैंने जो कैलकुलेशन किया खुद से सिर्फ यही था कि आप लोग भी इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको खुद कैलकुलेशन करना होगा, और ये जो मैंने थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट छोटे छोटे यूज़ करें कॉमन लेके आइडेंटिटी लगा के, तो ये सारी चीज़ अगर ध्यान में रहती है आपके, डायरेक्ट कैलकुलेट मत कीजिए किसी को भी, अगर पॉसिबिलिटी है तो आइडेंटिटी चेक कीजिए, या तो कॉमन वाला मेथड बहुत यूज़फुल होता है, उसको यूज़ कीजिए तो आपके कैलकुलेशन में बहुत आसानी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पूरी तरीके से सॉल्व करा है, तो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसे आप तैयार कीजिए, बहुत अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इससे आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अंदाज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।